नमस्कार, मारो राजगढ़ की इस स्पेशल सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं खड़ा हूँ राजगढ़ में स्थित माँ जालपा धाम में। इस जालपा धाम की अजब ही महिमा है। यहाँ से दिग्विजय सिंह और उमा भारती जैसे कद्दावर नेता की राजनीति की शुरुआत हुई थी। आज हम इस मंदिर की पूरी महिमा आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही में आपको बताएंगे कि कैसे नेता मंदिर में भी गबन कर जाते हैं। राजगढ़ का अनाथ बच्चा भी अपने आप को अनाथ नहीं समझता, क्योंकि उसके सर पर हमेशा माँ जालपा का आशीर्वाद रहता है। ऊंची पहाड़ी पर विराजमान माँ जालपा की अनुमति के बिना राजगढ़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। माता रानी पूरे जिले को बच्चे की तरह संभालती है, लेकिन आज हम माँ के दरबार की वो कहानी उजागर करने जा रहे हैं जिसने माँ और बेटे के प्यार को मेला कर दिया है। दरअसल इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, इतना पुराना कि इसकी तारीख या तिथि निकालना नामुमकिन है। उमा भारती और दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेता इसी मंदिर पर माथा टेक कर नेक काम की शुरुआत करते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नवरात्रि में माता रानी के लिए पूजा का सामान भिजवाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े लोग माँ के चरणों में रहते हैं, फिर भी यहाँ का विकास कार्य अधूरा क्यों पड़ा है। तो सच्चाई ये है कि इस मंदिर में विकास के नाम पर जितने रुपयों की घोषणा होती है, उतने का विकास नहीं होता। चारों तरफ फैली गंदगी, मूत्रालय की ठीक ठाक व्यवस्था नहीं होना और उमा भारती के कार्यकाल से अधूरा पड़ा है मंदिर, इस बात की गवाही देता है कि इस मंदिर का पैसा पूरा का पूरा हजम कर लिया गया है। किसने और कैसे हजम किया है, इसकी पूरी पूरी जाँच होना चाहिए। बहरहाल इस अधूरे मंदिर की अधूरी प्रेम कहानी को सुन लीजिए। टूटे पिल्लर सालों से छत का इंतजार कर रहे हैं और शायद उमा भारती का भी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस मंदिर को बनवाने की घोषणा की थी, लेकिन वो घोषणा केवल घोषणा बनकर ही रह गई। साल 2002 में यानी कि 18 साल पहले इस मंदिर को बनवाने का संकल्प लिया गया था और घोषणा करने के बाद इस मंदिर का विकास कार्य इतनी तेजी से चला कि मात्र 18 वर्षों में इस मंदिर के ये भव्य पिलर बनकर तैयार हो गए। इन भव्य पिलरों की सुंदरता देखकर ताजमहल के कारीगरों की भी आत्मा कांप उठी होगी। अब हमारा सवाल उमा दीदी से है, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप ये भूल गई हैं कि माँ जालपा के आशीर्वाद से ही आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी थी। क्या आप ये भूल गई हैं कि आप ही ने इस मंदिर को चुनाव जीतने के बाद बनवाने का संकल्प लिया था। अरे उमा दीदी, आपकी गिनती तो उन नेताओं में होती है जो अपने वादों से कभी नहीं मुकरते, तो फिर आप ही आपकी कुलदेवी से किया गया वादा कैसे भूल सकती हैं। और अगर आपने वाकई में इस मंदिर का पैसा भिजवाया था, तो पैसा किसने और कैसे हजम कर लिया, आपको इसकी जांच जरूर करवाना चाहिए।